कहानी शुरू होती है 1960 के समय से, जहां पर एक मोमो नाम का लौंडा रहता था। मोमो एक गश्ती खाने वाले इलाके में रहता था, जहां पर दिन रात ठुकाईबाजी होती थी। जैसे दिल्ली वाले के जीबी रोड है, वैसे यहां भी थे। मोमो भी यहां पर दिन रात लौंडियों को ताड़ता रहता था, और वो एक लौंडिया से बात भी करना चाहता था, यानी कह लो भटाभट 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 करना चाहता था। इसके लिए मोमो अपनी बचपन वाली गुल्लक का इस्तेमाल करता है, जो बचपन में मोमो के पापा ने दी थी, और उन्होंने कहा था बेटे पैसे की बचत जरूरी है, इसीलिए ये गुल्लक तोड़ मत दियो जब तक पूरी भर ना जाए। मोमो की मम्मी बचपन में उसे छोड़कर चली गई थी, इसी वजह से मोमो का बाप डिप्रेशन में जी रहा था। एक दिन मोमो उस गुल्लक को फोड़ देता है, और गुल्लक के सिक्कों को लेकर मोमो इब्राहिम की दुकान पर जाता है, और उनके बदले नोट लेकर वो फतोह नाम की लौंडिया का इंतजार करने लगा। पर उसे ना तो फतोह मिली और ना ही उसे कोई और गश्ती खानी। किसी तरह मोमो एक सिल्वी नाम की लौंडिया को अपने घर लाने में कामयाब हो जाता है, और वो उससे भटाभट 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 करने लग जाता है, और उसे वो मिल जाता है जो वो चाहता था। कुछ टाइम बाद मोमो ने सिल्वी को तोहफे में एक टेडी बियर दिया और वापस अपने घर आ गया। रात को जब उसके पापा घर पर आते हैं तो वो बहुत गुस्से में होते हैं। वो ना ही उसे गाना सुनने देते और ना ही कुछ करने देते। इसके बाद मोमो इब्राहिम की दुकान से सामान लेने जाता है, और हर बार की तरह इस बार भी मोमो ने वहाँ से सामान चुरा लिया, क्योंकि मोमो को चोरी करने की आदत थी। घर आकर मोमो अपने पापा को बताता है कि आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन वो तो भूल गए थे। इससे वो काफी उदास हो जाता है। अगले दिन मोमो के इलाके में एक फिल्म की शूटिंग हो रही थी। शूटिंग देखने के लिए मोमो सिल्वी के पास जाकर खड़ा हो गया, तो सिल्वी कहती है भटाभट भटाभट में मजा आया था, तो मोमो कहता है बहुत। तभी उसे सामने से एक लड़की दिखाई देती है, जिसे देखकर मोमो उसका दीवाना हो जाता है। इब्राहिम हमेशा से फिल्मों में काम करना चाहता था, और यही बात उसने मोमो को बताई। उसकी दुकान में एक्ट्रेस पानी खरीदने आई, जिसे देखकर इब्राहिम के साथ मोमो भी इस पर फिदा हो जाता है। जैसे ही वो है, इब्राहिम ने कहा कि वो जानता है कि मोमो उसकी दुकान से चीजें चुराता है, पर वो इन चीजों के पैसे नहीं मांगता, बस वो चाहता था कि उसकी दुकान के अलावा वो कोई और चोरी ना करे। इसके बाद इब्राहिम मोमो को ढेर सारा सामान मुफ्त में दे देता है, ताकि उसे बाहर से सामान ना खरीदना पड़े। मोमो ने जिस लड़की को शूटिंग के दौरान देखा था, वो उसी की बिल्डिंग में रहती है, और वो अपने घर से हर रोज उसके ऊपर पानी फेंक कर उसे परेशान करता है, ताकि उसका ध्यान मोमो पर चला जाए। और मोमो को परेशान करने का काम उसके पापा करते हैं, जो उसे उसके मन का कुछ नहीं करने देते। अपनी लाइफ से परेशान होकर मोमो कभी मुस्कुराता नहीं था, पर इब्राहिम ने उसे समझाया कि मोमो की ये गलत फहमी है कि वो लोग मुस्कुराते हैं जो लाइफ में खुश है। इब्राहिम कहता है मुस्कुराहट एक जरिया है, जिससे खुद को भी खुशी मिलती है और दूसरों को भी। और ये सुनकर मोमो मुस्कुराना सीखने लगा, और अब मोमो मुस्कुरा अपने टीचर को पटा लेता है, और अपने मोहल्ले की गश्तियों को भी पटा लेता है, और उनसे भटाभट 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 करता रहता है। पर इस मुस्कुराहट का मोमो के पापा पर कोई असर नहीं पड़ता। मोमो को लगता है कि उसके पापा उससे कभी खुश नहीं होंगे, क्योंकि वो हर रोज मोमो के बड़े भाई पोली को याद करते हैं। ये बात जब मोमो ने इब्राहिम को बताई, तो उसने कहा कि पोली घर छोड़कर चला गया था, इसलिए उससे अच्छा मोमो है। मोमो को इब्राहिम के साथ रहकर वो प्यार और खुशी मिल रही थी, जो उसके पिता उसे कभी नहीं दे पाए, और इसीलिए उन दोनों ने संडे के दोपहर को एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का फैसला किया। अगले दिन ये दोनों शहर घूमने निकले। मोमो पहली बार एक छुट्टी का दिन बिता रहा था। इब्राहिम ने उसे दुनिया की खूबसूरती को दिखाया, जिससे मोमो को बहुत अच्छा लगा। अगले दिन मोमो अपनी बिल्डिंग वाली लड़की से बात करने की कोशिश करता है, पर वो उससे बिना कुछ बोले दूर चली जाती है। और जब मोमो घर आता है, तो उसके पापा ने बताया कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। अपने पापा को इस तरह टूटता हुआ देख वो इब्राहिम के पास जाता है, और उससे पूछता है कि वो खुश कैसे रहता है। तो इब्राहिम ने मोमो के जूतों की तरफ इशारा करते हुए कहा कि उसके जूते खराब है। उसने कहा कि जब टूटे हुए जूते पैरों को तकलीफ दे, तो उन्हें बदल देना चाहिए, क्योंकि पैरों को बदलना नामुमकिन है। और मोमो समझ गया कि इब्राहिम उसके जूतों के नहीं, उसके जीने के तरीकों की बात कर रहा है। अगले दिन इब्राहिम मोमो को नए जूते दिलाने ले गया, जिससे वो खुश हो गया। मोमो जब घर पर आता है, तो उसे एक लेटर मिलता है। दरअसल उसके पिता उसे छोड़कर चले गए थे, क्योंकि वो शर्मिंदा थे और एक अच्छे पिता नहीं बन पाए, जिससे मोमो अब पूरी तरह अकेला हो गया। घर से निकलने के बाद वो उस लड़की मरियम पास जाता है, जिसने मोमो को डांस करना सिखाया। मोमो ने इब्राहिम से उसके पिता के जाने की बात छुपाई।
और उस दिन इब्राहिम ने उसे अपनी कुरान दी। अब इब्राहिम और उसकी कुरान के अलावा मोमो की जिंदगी में बस मरियम बची थी। मरियम की माँ उसे आजादी से जीने नहीं देती और इसीलिए वो छुप छुप कर मिलने लगे। वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और किस भी करते हैं। मोमो जब ये बात इब्राहिम को बताता है तो वो मरियम के बारे में नहीं बल्कि मोमो के पिता के बारे में पूछता है, जिन्हें उसने कई दिनों से नहीं देखा था। मोमो ने अब भी सच्चाई छुपाई। इब्राहिम के साथ रहकर मोमो धीरे धीरे अपने गम को भुलाने लगा था, पर उसे एक दिन फिर से चोट मिली। मोमो ने मरियम को किसी और लड़के के साथ देखा तो उसका दिल पूरी तरह से टूट गया। जब उसने इस बारे में इब्राहिम को बताया तो उसने मरियम को भूल जाने को कहा, पर उसके लिए मरियम को छोड़ना इतना आसान नहीं था। अब इस दर्द से उभरने के लिए मोमो अपने शहर की गश्तियों से भटाभट करने लगा। फिर एक दिन उसके पास एक पुलिस वाला आया, जिसने मोमो को बताया कि उसके पिता ने ट्रेन के आगे आकर अपनी जान दे दी है। इस खबर ने मोमो को परेशान कर दिया और वो रोते हुए इब्राहिम के पास गया। इब्राहिम को जब ये खबर मिली तो वो कोशिश करने लगा कि वो इस बारे में पुलिस वालों से मोमो के सामने बात ना करे, और उस वक्त मोमो को सिल्वी ने संभाला था। अगले दिन मोमो के घर उसकी माँ आती है। वो अपने बेटे को ढूंढने लगती है, लेकिन वो मोमो को देखकर पहचान नहीं पाती क्योंकि वो सालों बाद घर पर वापस लौट कर आई थी। इसलिए मोमो ने उससे कहा कि उसका नाम मोहम्मद है और उनका बेटा मोमो अपने बड़े भाई को ढूंढने घर छोड़कर चला गया है। ये सुनकर उसकी माँ ने कहा कि उन्होंने किसी दूसरे बेटे को जन्म नहीं दिया था और मोमो ही उनका इकलौता बेटा था। मोमो अब अकेले नहीं रहना चाहता था, इसलिए मोमो ने इब्राहिम से खुद को गोद लेने को कहा और इब्राहिम बिना हिचकिचाए मोमो को गोद लेने के लिए मान गया। अगले ही दिन वो मोमो को हर एक जगह पर ले गया जहाँ पर मोमो को गोद लेने की इजाजत मिल जाए, पर उसे कहीं भी कामयाबी नहीं मिलती। कई दिनों तक घूमने फिरने के बाद आखिरकार इब्राहिम मोमो को गोद लेने के लिए कामयाब हो जाता है और अगले ही दिन उन दोनों ने एक नई गाड़ी खरीदने का फैसला किया। अपनी सारी सेविंग को देकर इब्राहिम ने एक खूबसूरत सी गाड़ी खरीद ली जो अगले ही दिन उनके घर के पास आ गई। पर अब परेशानी ये थी कि इब्राहिम को गाड़ी चलाना ही नहीं आती थी और वो इतने सालों से अपने दोस्त अब्दुल्ला का लाइसेंस लेकर घूम रहा था। इसके बाद वो कार को चलाना सीखता है और मोमो उसे ड्राइविंग रूल्स सिखा रहा था, पर ये सब सीखना उसके लिए आसान नहीं था। किसी तरह से मोमो की मदद से इब्राहिम ड्राइविंग टेस्ट में पास हो जाता है और अब बिना वक्त गवाए वो दोनों टर्की जाने के लिए रोड ट्रिप पर निकल जाते हैं। अपने सारे दोस्तों और मरियम को अलविदा कहकर मोमो इब्राहिम के साथ सफर पर निकल जाता है। ऐसे ही घूमते घूमते मोमो इब्राहिम के साथ टर्की पहुंचा और टर्की पहुंचते ही इब्राहिम उसे चर्च में ले गया। इस चर्च की खुशबू का एहसास दिलाकर वो उसे मस्जिद ले गया। दिन में उसे अलग अलग धर्मों की खूबसूरती दिखाकर इब्राहिम उसे शहर घुमाने ले गया। वहाँ से निकलकर अगले सुबह वो पहाड़ों की ओर गए, जहाँ वो जगह थी जिस जगह इब्राहिम ने अपना बचपन गुजारा था और मोमो ने पहली बार सूफी म्यूजिक और डांस देखा। इब्राहिम ने मोमो को बताया कि वो लोग गाकर और नाचकर आजाद होते हैं और इसी तरह उन्हें जन्नत के पास होने का एहसास होता है। उस वक्त मोमो के अंदर की नफरत गायब होने लगी और उसे वो शांति मिली जो जिंदगी में उसे पहले कभी नहीं मिली थी। अगली सुबह इब्राहिम अपने गांव की तरफ निकला, जिसे वो कई सालों पहले छोड़कर फ्रांस आ गया था। मोमो को छोड़कर इब्राहिम वहाँ से आगे चला गया। इसके बाद गाँव के बच्चों के कहने पर मोमो ने उसकी फोटो ली और बहुत देर तक जब इब्राहिम लौटकर वापस नहीं आया तो वो उस बच्चे के साथ इब्राहिम को ढूंढने निकल पड़ा। काफी देर तक उस रास्ते चलने पर एक आदमी वहाँ पर मोमो को ढूंढता हुआ आया, पर मोमो को उसकी भाषा समझ में नहीं आई। वो आदमी मोमो को अपने साथ ले जाता है और तभी मोमो को रास्ते में उनकी गाड़ी दिखाई दी। उसे पता चलता है कि इब्राहिम का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उसे इब्राहिम के घर ले जाया गया। मोमो जब इब्राहिम के घर पहुंचा तो उसने इब्राहिम से कहा कि उनका सफर यहीं पर खत्म होता है। इब्राहिम ने उससे माफी मांगी और उससे कहा कि उसने एक अच्छी और लंबी जिंदगी जी है और वो अब अपने घर पर लौट आया है, उसकी जिंदगी का यही अंत है। मोमो इब्राहिम को खोना नहीं चाहता था, पर उसकी मौत के बाद मोमो को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ा। उसे इब्राहिम के लिखे हुए कागज मिले जिसमें इब्राहिम ने अपनी सारी प्रॉपर्टी और अपनी कुरान मोमो के नाम कर दी थी। उस दिन के बाद से मोमो ने इब्राहिम की दुकान संभालना शुरू कर दी और बिल्कुल इब्राहिम की तरह जब उसने एक बच्चे को चोरी करते हुए देखा तो उसे सिर्फ एक मुस्कुराहट के साथ जाने दिया। अब मोमो अपनी जिंदगी इब्राहिम की तरह जीने लगा और कोशिश करने लगा कि वो भी इब्राहिम की तरह बन पाए, और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है।